तो अभी ये भी घोड़िया है ना। हाँ। तो ये काठियावाड़ी में के मारवाड़ी में, ये मिक्स में, ये भी मिक्स में। हाँ। कितने परसेंट होगी मिक्स? मिक्स में मतलब 90% तो काठियावाड़ी की है, 90% और 10% मिक्स है। तो उम्र क्या होगी इस घोड़ी की अभी? उम्र इसकी 5-5.5 साल। 5.5 साल। ये इसी का बच्ची है कि बच्चा है? ये इसी का नहीं है, तो और किसी का है? और घोड़ी का है। तो माँ मतलब मर गई है। अच्छा, वो जो शेर ले गया था वही क्या? नहीं वो नहीं। अच्छा, वो और दूसरा है। तो इसकी माँ मर गई है, तो आप इसको अभी इस पे सेट कर रहे हो कि भैया तेरी माँ है। हाँ, अच्छा लगे ना उसको? अच्छा लगे। हाँ। इसलिए अकेला महसूस ना करे। तो इसकी माँ कैसे मर गई थी? मतलब उम्र लायक हो गई थी वो। कितने उम्र की थी? कम से कम 13-14 साल की थी। 13-14 साल की थी। तो बीमार थी क्या? हाँ, बीमार थी थोड़ी बहुत। बीमार थी। तो कितने साल का छोड़ के, कितनी उम्र का, यानी महीने का छोड़ के मर गई थी? एक महीने का था और उसकी माँ मर गई थी। मर गई थी। हाँ। तो फिर कैसे पाला आपने इस बच्चे को? दूध बूध पिला के। किसका दूध पिलाते थे? बकरी का और गाय का दूध पिला रहे थे। बकरी और गाय का मिक्स करके। हाँ। बच्चे का क्या कलर है अभी इसका? तो रोजा बोलते हैं। रोजा कलर। भाई ये भी शादी बारात में ले जाते हो? हाँ, ये शादी बारात में जाती है। तो शादी बारात का क्या रेट रहता है यहाँ पे, अगर हम रेट की बात करें तो कितने क्या पैसे? मतलब वो तो फिक्स रेट नहीं रहता है। अच्छा, जैसा आदमी वैसा रेट बोलते थे। अच्छा, 5,000 से मिनिमम शुरुआत करते उसके लिए। 5,000 से। हाँ। तो ये शासन में ही लेके जाते हो कि आसपास भी ले जाते हो? कहीं भी आसपास, सब गाँव में लेके जाते हैं। सब गाँव में लेके जाते हो। तो अभी जैसे लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत आई होगी? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। जैसे कि आप मजदूरी वगैरह करते हो बता रहे थे ना, तो लॉकडाउन में तो बिल्कुल काम ठप रहा होगा एकदम। तो फिर कैसे घर का गुजारा चलाया? बस वो थोड़ा बहुत पैसे संभाल रखे तो उसमें गुजारा चला लिया। अच्छा, जो पैसे सेव कर रखे थे आपने उन्हीं पैसों से अपना गुजारा चलाया है। तो अभी थोड़ा बहुत काम ट्रैक पे आया कि नहीं आया? अब शुरुआत हुई है, देखो क्या होता है। अच्छा, अभी यानी कि बुकिंग वगैरह नहीं आई है अभी? आया, बुकिंग आया, थोड़ा बहुत बुकिंग आया है। तो किसी आदमी ने, कोई घोड़े वाले ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया। किसी ने नहीं किया? नहीं किया। एक रुपए का भी सपोर्ट नहीं? किसी ने नहीं किया। बाकी का अपना भी देखना और फिर इन घोड़ा घोड़ियों का भी खाने का देखना है ना। तो बच्चे की क्या उम्र हो गई है अभी? बच्चे की उम्र हो गई मतलब 4 महीने। 4 महीने का हो गया है। तो अब तो सेट हो गया होगा इस घोड़ी के साथ में, है ना? अब तो पीछे पीछे लगा घूमता है। बाकी जब घोड़ी मरी होगी तो आप टेंशन में आ गए होगे कैसे इस बच्चे को पाला जाए अब? हाँ, बहुत टेंशन में आ गए थे। हैं? बहुत टेंशन में आ गए थे। क्योंकि पहले तो ये मान भी नहीं रहा होगा कि ये मेरी माँ है ना, जाता ही नहीं होगा पास। तो घोड़ी भी मारती थी क्या? जैसे बहुत मारती थी। अच्छा, धीरे धीरे होके सेट हो गया। क्या नाम रख रखा है अभी इसका आपने? इसका नाम है गोपी। गोपी। इसके बाप का भी नहीं पता होगा? नहीं नहीं पता। यानी खरीदी होगी आपने? ओके। तो जैसे काठियावाड़ी घोड़ी या घोड़ा आपको चाहिए तो आपके एरिया में मिल जाता है, कहीं जाना पड़ता है आपको? अपने एरिया में मिल जाता है। काठियावाड़ी ज्यादा तो इस साइड ही मिलते हैं। अच्छा, काठियावाड़ी इस साइड मिलते हैं। तो काठियावाड़ का जो इलाका है वो कहाँ से और कहाँ तक है, यानी कि जैसे माने तो अपन काठियावाड़ी इलाका रहता है अमरेली से, ये जामनगर साइड तक का पूरा काठियावाड़ी, पूरा काठियावाड़ी इलाका है, पूरा काठियावाड़ी इलाका। तो अभी आपके यहाँ तो काठियावाड़ी बहुत कम रह गया है ना? बहुत कम रह गया। अगर प्योर की बात करें तो कितने होंगे, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? ज्यादातर तो प्योर ही काठियावाड़ी घोड़ा मिलता है यहाँ अमरेली साइड, बहुत प्योर काठियावाड़ी घोड़ा मिलता है अमरेली की साइड में। यहाँ से कितना पड़ता है अमरेली? अमरेली यहाँ से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पड़ता है। पर ये कि लोग बाग काठियावाड़ में जैसे 1-2 बस ऐसे ही रखते हैं, ऐसे नहीं रखते जैसे मारवाड़ी में 15-20-40 एक साथ रख लिए, ऐसे नहीं रखते है ना? बाकी जब आपको घोड़ी वगैरह ब्रीड करानी होती है तो फिर कहाँ लेके जाते हो आप? यहाँ पर वेराउल के करीब में इंगराज करके गांव है, वहाँ पर काठियावाड़ी और घोड़ों का मतलब एक सेंटर होगा। हाँ, सेंटर है। अच्छा, वहाँ पर सरकारी घोड़े रहते हैं। हाल में है, अभी है ही वहीं पर 50-60-100 घोड़े वहाँ पर, घोड़ी घोड़ा। तो फीस वगैरह कितनी करें? ज्यादा नहीं लेते, सिर्फ 400 रुपए लेते हैं। 400 रुपए लेते हैं। चलो भाई, सस्ते में काम हो जाता है ना। तो वो यानी कि आप अपनी घोड़ी ले जाओ, वो वहाँ से मैट करा देते हैं। Thank you.